नमस्कार, स्वागत है आपका साई न्यूज 24/7 सच की आवाज। मैं हूं आपके साथ शमशीर शेख। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 साथी चोर गिरफ्तार। कब्जे से चोरी के लगभग 7 लाख रुपए मूल्य के जेवरात बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद प्रयागराज मोहरे के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक यमुनापाल मोहरे के नेतृत्व एवं क्षेत्र अधिकारी कर्चना मोहरे के पर्यवेक्षण में कर्चना टीकाराम वर्मा मय पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 9/5/2022 को मुखबिर की सूचना पर थाना कर्चना में पंजीकृत मुकदमा अराजी संख्या 113/22 धारा 457 380 से संबंधित अभियुक्त गण हिमांशु पांडे पुत्र स्वर्गीय श्याम बाबू पांडे निवासी पनासा थाना कर्चना जनपद प्रयागराज उम्र 19 वर्ष व संजीत पाल पुत्र सुभाष चंद्र पाल निवासी कठोली थाना मेजा जनपद प्रयागराज उम्र 21 वर्ष तथा विश्वनाथ सोनी पुत्र स्वर्गीय शारदा प्रसाद निवासी सिरसा बाजार थाना मेजा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 61 वर्ष को चोरी के जेवरात के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की गई है, जिनका विवरण निम्न है। दिनांक 3/5/2022 को वादी श्री श्रीकांत पांडे पुत्र स्वर्गीय विनोद कुमार पांडे निवासी पनासा के घर में सोने के जेवरात व नगद रुपयों की चोरी हुई थी। उक्त घटना के संबंध में वादी द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 6/5/2022 को थाना कर्चना में मुकदमा अराजी संख्या 113/22 धारा 457 380 पंजीकृत किया गया था। घटना के अनावरण हेतु टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास प्रारंभ किए गए। मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त हिमांशु पांडे तथा चोरी का माल बिकवाने में सहयोग करने वाले अभियुक्त संजीत पाल को दिनांक 9/5/2022 को ग्राम पनासा थाना कर्चना से गिरफ्तार किया गया। प्रयागराज से राजे की खास रिपोर्ट। बड़ा खुलासा कर्चना में हुआ है। लूट की जो जेवरात हैं वो बरामद हुए हैं। अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी हुई है। किस तरीके का ये जो रैकेट है पूरा पकड़ा गया है और अब आगे इन पर किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? देखिए, जनपद प्रयागराज के थाना कर्चना पर 6 मई 2022 को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति निशांत पांडे, जो कि दिल्ली में कार्यरत हैं और यहाँ पर उनकी माँ अकेले रहती हैं श्रीमती इंदिरा पांडे, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और काफ़ी संपन्न परिवार हैं इन लोगों का, और इसी कारण से इनके घर पर काफ़ी आभूषण और कैश रखा हुआ था जो कि चोरी कर लिया गया है कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा। जब ये लोग एक शादी समारोह में सम्मिलित होने के लिए जनपद गाजीपुर में गए हुए थे, तत्काल इस सूचना पर अभियोग पंजीकृत कर थाना कर्चना पुलिस और हमारी जो क्राइम ब्रांच और फील्ड यूनिट है, ये सभी मौके पर पहुंची। उच्चाधिकारीगण द्वारा भी मौका मुआयना किया गया तथा एक व्यक्ति हिमांशु पांडे, उसका नाम प्रकाश में आया, जो कि सीमा पांडे का लड़का है, और जो सीमा पांडे हैं ये ग्राम पनासा की ही रहने वाली हैं, और जो पीड़िता हैं इसमें जो पीड़ित परिवार है श्रीमती इंदिरा पांडे, उनके यहाँ पर ये एक सहायक के रूप में पिछले कई वर्षों से कार्य कर रही हैं, वहाँ पर रह कर के नौकरी करती हैं और इनका पालन पोषण भी इंदिरा पांडे जी के परिवार द्वारा किया जाता है। उन्हीं के लड़के हिमांशु पांडे, जो कि 19 वर्ष का है, उसके द्वारा रात का फ़ायदा उठा करके छत पर लगी एस्बेस्टस सीट जो टूटी हुई थी उससे प्रवेश करके घर में अलमारी तोड़ करके काफ़ी महंगे कीमत के आभूषण चोरी करके लेते गया था अपने साथ, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। और बरामद किए हैं जो आभूषण है, कितनी उनकी अनुमानित कीमत होगी और अभियुक्त कुल कितने हैं जिन जो गिरफ्तार हुए? थाना कर्चना पर 3 अभियुक्त कुल गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से हिमांशु पांडे, संजीत पाल और एक विश्वनाथ सोनार। इसमें से जो हिमांशु पांडे है, इसने करीब 7 लाख कीमत के आभूषण घर से चोरी किए थे जो इसके पास से बरामद कर लिए गए हैं। इसका साथ देने वाले, चोरी के बाद माल बिकवाने वाले इसके ही दोस्त संजीत पाल को भी गिरफ्तार किया गया है तथा इनसे जो चोरी का माल खरीदने वाला सोनार, जो कि चौकी सिरसा थाना मेजा का रहने वाला है, उन्हें भी गिरफ्तार करके इन तीनों को बरामद माल के साथ आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।